हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेशियो का पार्ट चार देखेंगे। आज आप लोगों को माध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मिश्रानुपाती के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती संख्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है मध्य समानुपाती के बारे में, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मध्य समानुपाती क्या होता है। मध्य समानुपाती बोले या मध्यानुपाती बोले, दोनों एक ही चीज है। तो मध्य समानुपाती बराबर होता है फॉर्मूला हमेशा रूट अंडर ए बी। क्या याद रखना है, मध्य समानुपाती बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। देखिए ए पहले वाला को मानेंगे ए, यानी 9 किसका मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा, और 16 किसका मान हो जाएगा, बी का मान। यानी ए तथा बी, इसको पढ़ सकते हैं, ए तथा बी का मध्य समानुपाती संख्या क्या है, तो रूट अंडर ए बी। ए का मान कितना दिया है 9 और बी का मान कितना 16, तो लगाइए मध्य समानुपाती बराबर रूट अंडर ए बी, यानी 9 × 16। देखिए आप जानते हैं 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। यही निकल का आएगा मध्य समानुपाती। आपको ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, सिर्फ यही कि मध्य समानुपाती बराबर बोले तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए बी। मध्य समानुपाती बोले तो रूट अंडर ए बी लगा देना है। तो रूट अंडर ए बी कीजिएगा तो 9 × 16 144, और 144 का वर्गमूल कितना निकल का जाएगा तो 12। ऑप्शन कौन जा रहा है, सी नंबर। ऑप्शन कौन जाएगा, सी नंबर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपाती है। देखिए 0.02 और 0.32 का मध्य समानुपाती, तभी बताएं मध्य समानुपाती बराबर का फॉर्मूला बताए हैं, रूट अंडर ए बी। क्या लगाना है, रूट अंडर ए बी। ये हो जाएगा 0.02 ए का मान और 0.32 बी का मान, तो लगाइए रूट अंडर 0.02 गुना 0.32। देखिए इसको पढ़िए 32 और इसको पढ़िए 2, तो 32 × 2 कितना हो जाएगा 64। 32 × 2 कितना 64। लेकिन ध्यान रखिए कि गुना में यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो दोनों को जोड़ लीजिए, टोटल कितने अंक के बाद दशमलव, तो 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव, तो 4 अंक के बाद दशमलव दीजिए, तो 1 2 एगो 0 दीजिए, फिर 0 दीजिए, 3 4 4 अंक हो गया, इसके बाद दशमलव लगाएंगे फिर 0। यानी 0.02 को गुना करेंगे 0.32 से तो कितना आएगा 0.0064। अब इसका वर्गमूल निकालिए तो 64 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कितना होता है 8। 64 का वर्गमूल 8, और देखिए 4 अंक के बाद दशमलव था, तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो अंक का होता है आधा के बाद हो जाता है, यानी 4 अंक के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में क्या हो जाएगा, तो 4 का आधा के जगह देखा ना 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव उठाइए, तो 1 अंक तो 8 हो गया, 1 0 लगा दिए, 2 अंक हो गया 0.00। यानी 0.0064 का वर्गमूल कितना आएगा 0.08। यानी निकल गया मध्य समानुपाती कितना है 0.08, यानी ऑप्शन कौन जाएगा, टी नंबर, ऑप्शन डी। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है 10 और 25 का तीसरा अनुपातिक क्या है। देखिए तीसरा अनुपातिक पूछे या तृतीय अनुपातिक पूछे, तो तीसरा अनुपातिक या तृतीय अनुपातिक, तो तृतीय अनुपातिक बराबर याद रखिएगा, तृतीय अनुपातिक बराबर क्या रखिएगा याद, तो हमेशा याद रखिएगा बी स्क्वायर बटा ए। क्या रखना है, बी स्क्वायर बटा ए। देखिए ए पहले वाला मान हो जाएगा ए और बाद वाला मान बी, यानी तृतीय अनुपाती बराबर बी स्क्वायर बटा ए। तो लगाइए फॉर्मूला पर, तो बी का मान कितना 25, तो 25 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 25 का स्क्वायर बटा 10, ए का मान कितना 10, और हम लोग जानते हैं 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 बटा 10 कीजिएगा, 25 का स्क्वायर 625 और बट्टा में 10 है, यानी बट्टा में 1 0 है, तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी आ जाएगा 62.5। यानी
10 और 25 का तीसरा अनुपातिक कितना आएगा? तो 62.5 यानी ऑप्शन सी। तो तृतीय अनुपातिक बराबर क्या रखना है? बी स्क्वायर बटा ए। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन दिया है 1.2 और 1.8 का तृतीय समानुपाती संख्या क्या है, यानी तृतीय समानुपाती बराबर भी पढ़ाए हैं बी स्क्वायर बटा ए। क्या पढ़ा है? बी स्क्वायर बटा ए। देखिए ये पहले वाला मान ए हो जाएगा और बाद वाला मान बी, लगाइए बी स्क्वायर बटा ए, यानी बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? बी गुना बी। तो 1.8 गुना 1.8 बटा ए, ए का मान कितना? 1.2। चलिए इसको काटते हैं। देखिए एक अंक के बाद यहां दशमलव है, तो एक अंक के बाद यहां दशमलव, तो खत्म हो जाएगा दशमलव। अब काटेगा तो 6 × 12 और 6 × 3 = 18 और दूसरे इसको काटिए तो 2 × 18 = 18 और यहाँ एक अंक के बाद दशमलव था, तो इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 0.9 मात्रा कट जाएगा। तो 0.9 × 3 कितना जाएगा? तो 9 × 3 = 27 होता है, और एक अंक के बाद दशमलव था तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, 2.7 यानी आ जाएगा ऑप्शन ए। तो तृतीय अनुपाती बराबर क्या रखेगा? बी स्क्वायर बटा ए। आइए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में दिया है कि 12, 21, 8 का चतुर्थानुपाती संख्या क्या है। देखिए अभी हम लोग पढ़े मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और अभी की पढ़ेंगे चतुर्थानुपाती। देखिए चतुर्थानुपाती पूछेगा तो इसका फॉर्मूला से कोई मतलब नहीं है, ये सीधा याद रखिएगा कि दिया है कौन कौन 12, 21, 8। देखिए ये पहला अनुपात हुआ, ये दूसरा अनुपात हुआ, ये तीसरा अनुपात हुआ, हमको पूछा है क्या चौथा अनुपात। तो चौथा अनुपात मान लीजिए x, कुछ भी मान सकते हैं x, यानी पहला अनुपात 12, दूसरा अनुपात 21, तीसरा अनुपात 8, तो चौथा अनुपात कितना होगा? देखिए हम लोग समानुपात में पढ़े थे कि अंदर अंदर एक सद गुना, समानुपात में पढ़े थे ना अंदर अंदर एक सद गुना और बाहर बाहर एक सद गुना, बाहर बाहर एक सद गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 12 × x बराबर 21 × 8, यानी 12 × x = 21 × 8। अब काट लीजिए इसको, इसको काट सकते हैं कि 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 और 3 से काट लीजिएगा 3 × 7 = 21 यानी x बराबर कितना जाएगा? 7 × 2 = 14 यही आंसर है, यानी ऑप्शन कौन जाएगा? बी नंबर। तो अगर चतुर्थानुपाती पूछे यानी चौथा पद पूछे तो क्या कीजिएगा? चौथा पद को मान लीजिए x और अंदर अंदर एक साथ गुना, यानी यहाँ पर आप x रख के अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना करके सॉल्व कर सकते हैं, तो निकल जाएगा चौथा पद। आइए छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन में दिया है कि 4, 8, 7 और 8 का चतुर्थानुपात यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल है, यानी भाट के जगह पर कितना होगा, यानी चौथा पद कितना होगा। तो चौथा पद को मान सकते हैं यहाँ पर x, चौथा पद को मान लीजिए x। अब क्या कीजिएगा? अंदर अंदर एक साथ गुना और बाहर बाहर एक साथ गुना, तो कीजिए 4 × x = 8 × 7 8 × 7। अब काटिए तो 4 × कितना हो जाएगा? 8, यानी x बराबर 7 × 14 यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आया? 14। ऑप्शन कौन दे रहा है? सी। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन देखते हैं। करा है 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात है, यानी देखिए ये दोनों जो संख्या दिया है इसके बीच का मध्यानुपाती और ये दोनों जो संख्या दिया है इसका तृतीय अनुपाती का रेशियो कितना होगा। तो पहले इन दोनों से निकाल लीजिए मध्य अनुपाती, इसको मानिए 4 को ए और इस तो 10.8 को मानेंगे बी। तो मध्य अनुपाती बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? रूट अंडर ए बी। तो लगाइए रूट अंडर 4.8 × 10.8। अब इसका वर्गमूल निकालिए
इसका वर्गमूल निकालिएगा। देखिए इसको लिख सकते हैं 4.8 को क्या लिख दिया है, यानी पॉइंट को छोड़ दीजिए, तो इसको पढ़ सकते 48। अब 48 को होता है 16 गुना 3, क्योंकि 16 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, इसको लिख सकते हैं 16 गुना 3, अब बट्टा में कितना 10, अब गुना, और 108, यानी 10.8 को पढ़ेंगे पॉइंट हटाकर 108, तो 108 को तोड़िएगा तो निकल सकता है 36 गुना 3, 36 गुना 3 कितना होता है 108, अब बट्टा में एक 0 चलेगा यानी 10। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6, और 3 गुना 3 की जगह 9, 9 का वर्गमूल कितना 3, और देखिए नीचे 10 गुना 10 100, 100 का वर्गमूल कितना 10, यानी आ जाएगा 6 चौके 24, 24 तिहाई 72, 72, और एक बट्टा में 10 था यानी एक अंक के बाद 10 दशमलव, यानी 7.2, यानी आ गया कितना मध्यानुपाती, तो 7.2। अब चलिए तथा 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती हम लोग क्या पढ़ा है, b स्क्वायर बटा a, तो क्या हो जाएगा b का मान कितना 2.4, 2.4 गुना 2.4, और a का मान कितना लीजिएगा इसमें 0.4। देखिए इसको कटिएगा, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, 4 गुना 6 कितना हो जाएगा 24, यानी 6 में तय कर गया, दशमलव से दशमलव खत्म हो गया था। अब 24 गुना 6 कीजिए, तो 24 गुना 6 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 24 गुना 6 कीजिएगा तो 144, 144, और एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब कह रहा था कि मध्यानुपाती और तृतीय अनुपाती का रेशियो कितना, तो मध्यानुपाती आया है 7.2 अनुपात, और तृतीय समानुपाती का रेशियो मान कितना है, तृतीय समानुपाती का मान 14.4। अभी दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। देखिए रेशियो निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर रेशियो निकालने के लिए 7.2 और 14.4 है, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो कट जाएगा, और इसको कटेगा 72 दुना 144, 72 दुना 144, यहाँ कुछ नहीं तो एक, यानी दोनों में से कॉमन कितना कर लिए 72, तो आ गया कितना 1:2, यानी मध्यानुपाती और तृतीय समानुपाती का रेशियो कितना है 1:2, 1:2 कौन, ऑप्शन बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर करा है, दो संख्याओं का मध्यानुपाती 15 है तथा तृतीयानुपाती 405 है, तो छोटी संख्या कौन है, तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती वाला फॉर्मूला कहता है रूट अंडर ए बी, यानी अगर एक संख्या ए लेते हैं और दूसरी संख्या बी लेते हैं तो लगाएंगे रूट अंडर ए बी बराबर 15, तो यहां से कह सकते हैं कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा 15, देखिए रूट उधर जाएगा बराबर को उधर, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, और यहां से भी कह सकते हैं कि a बराबर कितना हो जाएगा या b बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर लिख सकते हैं 225 बटा b, समीकरण एक मान लीजिए। फिर दिया है तथा तृतीयानुपाती 405, यानी वही दो संख्याओं का तृतीयानुपाती कितना 405, तो तृतीयानुपाती वर्ग क्या होता है b स्क्वायर बटा a 405, तो चलिए इसको लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर 405, और देखिए a कहां चला जाएगा, 405 में गुणा हो जाएगा, तो a का मान यहां पर रख दीजिए, a का मान कितना निकल कर लाए हैं 225 बटा b, अब ये b तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा तो हो जाएगा b स्क्वायर गुना b, यानी b का क्यूब, देखिए क्यू के रूप में इसको तोड़िए, तो 225 को लिख सकते हैं 15 गुना 15, और 405 को कितना लिख सकते हैं, तो 15 में तोड़िए तो 15 गुना 27,
405 को लिख सकते 15 गुना 27। अब देखिए, अगर पावर इधर है क्यू, तो पावर को दूसरे साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, यानी पूरा पर 1/3, यानी हमको घनमूल निकालना है, यानी बी बराबर कितना, तो इसका घनमूल निकालिए, यहाँ 3 × 15 है, तो इसको निकालने के लिए घनमूल निकालने के क्या हो गए, 1/15 हो जाएगा, और 27 का घनमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा, 3, 27 का घनमूल 3, यानी बी बराबर गया 45। तो चलिए ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए का भी मान निकाल लीजिए, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ए बराबर 225/b, तो 225/b, बी का मान कितना है 45, तो 225/45 यानी कितना हो जाएगा 5। तो देखिए बी का मान आया 1/45 और ए का मान आया कितना 5, यानी एक संख्या 5 और एक दूसरी संख्या कितना 45, तो दोनों में छोटी संख्या कौन है 5, तो आंसर हो जाएगा 5, ये छोटी संख्या पूछा जाता है, तो छोटी संख्या कितना 5, ऑप्शन बी। देखिए इसको एक दूसरे तरीका से भी बना सकते थे, ऑप्शन से दिया है दो संख्याओं का मध्य अनुपात 15, तो मध्य अनुपात हम लोग निकाल के लाए कितना है, ए बी बराबर 225 और तृतीय अनुपात 405, तृतीय अनुपात क्या होता है बी स्क्वायर बटा ए बराबर 405। देखिए इसको ऑप्शन से बना सकते थे कि ऑप्शन से छोटी संख्या कौन ले, ठीक है छोटी संख्या कौन से, तो ऑप्शन से अगर बी नंबर लेते हैं तो छोटी संख्या 5 लीजिएगा, तो अगर छोटी संख्या यहां से कुछ भी रखे ए का मान या बी का मान, तो अगर यहां पर मान लेते ए बराबर 5 निकाल के लाए होंगे, ठीक है ऑप्शन से ए बराबर कितना लिया है 5, तो बी बराबर कितना जाएगा यहां से, तो बी बराबर आ जाएगा 225/5, इसको काटिएगा तो कितना जाएगा 45 आ जाता है ना, यानी बी बराबर 45। अब यहां पर रख के देखिए, तो बी का मान 45 × 45 और बटा में ए का मान कितना 5 बराबर 405। देखिए इसको काटिएगा 9×5 45, अब 45 × 9 कीजिएगा तो कितना आता है 405 बराबर 405। देखिए दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया, अगर दोनों साइड बराबर हो गया इसका मतलब ऑप्शन बी सही है, यानी ए बराबर 5 लिया हुआ सही है। तो इसको ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि छोटी संख्या कौन ले, और यहाँ पर मान रखने पर बी का मान निकल जाएगा, और बी का मान यहाँ पर और ए का मान यहाँ पर रखने पर दोनों साइड बराबर हो जाए, जिस ऑप्शन में बराबर होगा वह ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नौवां क्वेश्चन दिया है 2:3, 6:5 तथा 10:9 का मिश्रण अनुपात क्या है। देखिए एक मिश्रण अनुपात पढ़ने के लिए होता है, तो मिश्रण अनुपात क्या होता है कि सभी अनुपात को आपस में गुना कर लेते हैं, तो निकल जाएगा मिश्रण अनुपात, सभी अनुपात को क्या करना है आपस में गुना करना है। देखिए 2:3 को ले सकते हैं 2/3 गुना, 6:5 को लिख सकते हैं 6/5 गुना, और 10:9 को लिख सकते हैं 10/9। अब काट लीजिए इसको, तो इसको काटेगा 3×6 और ये 5×10, यानी गुना कीजिएगा तो 2×2 = 4, 4×2 कितना 8/9, यानी इसको रेशियो में लिखेगा तो कितना जाएगा 8:9, यही आ गया मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात पूछेगा तो क्या करना, आपको सभी अनुपात को आपस में गुना कर देना है, सभी अनुपात को आपस में गुना कर देना है, तो क्या निकलेगा मिश्र अनुपात, यानी ऑप्शन जाएगा डी नंबर। 10वां क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, यानी अब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा अनुपात या सबसे छोटा अनुपात कौन सा है। तो देखिए बड़ा अनुपात और छोटा अनुपात निकालने के लिए एक रूल होता है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा समझने के लिए अनुपात को आप भिन्न में बदल दीजिए, यानी 7:15 को लिख सकते हैं 7/15, 15:23 को लिख सकते हैं 15/23, 17:25 को लिख सकते हैं 17/25 और 21:29 को लिख सकते हैं 21/29। सभी को भिन्न में लेकर चलाएं। अब देखिए रूल याद रखिएगा, रूल है कि भिन्न में अगर सभी अंश और हर का अंतर समान रहे, सभी भिन्न के
अंश और अहर का अंतर समान रहे तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह अनुपात सबसे बड़ा होगा या वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। यानी कह सकते हैं कि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान दिखे तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वह सबसे छोटा होगा। तो रूल लगाइए, देखिए पहला भिन्न है 7/15, तो 7/15 अंश हो गया 7 और हर कितना हो गया 15, तो 15 और 7 का अंतर कितना का 8 का, 8 का। यहां भी देखिए दूसरा में 15/23, तो भिन्न के अंश और हर का अंतर कितना, तो 23 में से 15 घटाइए तो कितना 8। फिर यहां भी देखिए 17/25, तो भिन्न के अंश और हर का अंतर कितना 8। इस भिन्न में भी अंश और हर का अंतर कितना 21/29 का अंतर कितना 8। हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान है, प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर समान है, तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा वह सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो अंतर समान है सब में, तो लगाइए सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, तो जिसका अंश सबसे बड़ा हो, यानी किसका अंश बड़ा है, तो चौथा ऑप्शन का डी का 21 सबसे बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा अनुपात कौन आएगा 21/29। अगर इसी में पूछता है सबसे छोटा अनुपात, तो देखेंगे कि अंतर तो समान है अंश और हर का, तो जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है 7, तो सबसे छोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा। देखिए अब अंतर समान नहीं रहेगा तो एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा क्वेश्चन कुछ, ये तो अंतर समान था तब बन गया आसानी से, अगर अंतर समान नहीं रहेगा तब कैसे पहचानेंगे। तो मान लीजिए एक भिन्न है 2/3 और दूसरा भिन्न है 1/5/8, तो इस भिन्न में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसको कैसे निकालेगा। देखिए दो भिन्न के बीच निकालते हैं बड़ा और छोटा, तो कुछ नहीं करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है, क्या करना है तिरछा तिरछी गुना। तो याद रखिएगा 2 × 8 कितना जाएगा 16, 2 × 8 कितना 16, और 3 × 5 की जाएगा 3 × इसके साथ 5, तो 5 × 15। देखिए 16 बड़ा है या 15, तो 16 बड़ा है, 16 बड़ा है ना, तो 16 के सामने कौन है 2/3, तो ये बड़ा भिन्न हो जाएगा, ये क्या जाएगा बड़ा भिन्न हो जाएगा, और 15 क्या है छोटा, तो ये भिन्न क्या हो जाएगा छोटा भिन्न हो जाएगा। यानी इस तरह से पहचान सकते हैं तिरछा तिरछी गुना करके, तिरछा तिरछी गुना करने पर जो बड़ा आएगा उसका मान बड़ा होगा, जो छोटा आएगा उसका मान छोटा होगा।